प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया पर निशाना साधते हुए विपक्ष खुद अविश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। बैठक में मौजूद भाजपा के एक सांसद के मुताबिक पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया करार दिया, साथ ही दिल्ली सेवा विधेयक पर मतदान में सेमीफाइनल जीत के लिए पार्टी के राज्यसभा सदस्यों को बधाई दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भाजपा के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। मोदी ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में मतदान को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल बताया था। दिल्ली सेवा विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई क्योंकि राज्यसभा ने इस विवादास्पद विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का विफल होना तय समझा जा रहा है। उन्होंने 2018 के अपने भाषण का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने विपक्ष से 2023 में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नेता सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन उन्होंने वंशवादी तुष्टिकरण और भ्रष्ट राजनीति से इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यह समय भ्रष्टाचार वंशवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने का है।